IEC Specimen Question Paper 2023, Punjabi, Solution. Question 2, the Uttar is tarah likhna hai. Part 1, Seh Sikhya Toh Paav Hai Kuriya Mundiya Da इकट्ठे इक्के स्कूल जा कॉलेज विच इक्के क्लासरूम विच विद्या प्राप्त करना साडे देश विच सह शिक्षा दा रिवाज बहुत तेजी नाल वध रहा है जीवन दे सफर विच स्त्रियां मर्दां नूं एक दूजे दे मोढे नाल मोढा जोड़ के तुरना हुंदा है आजकल कुड़ियां अनेका खेत्रां विच मुंडियां नालों अगां वध रहियां हन जिस कारण मुंडियां विच चेतनता आ रही है यह साडे देश दी तरक्की लई शुभ संकेत है पार्ट टू पुरातन धार्मिक डेरियां मंदिरां मस्जिदां अते ऋषियां दे आश्रम विच सह शिक्षा दित्ती जांदी सी हौली हौली समाजिक कारणा करके कुड़ियां दा स्थान घर दियां चार दीवारी तक सीमित हो गया कुछ थावां ते पर्दे दा रिवाज सी जिस कारण सह शिक्षा शुरुआती पद्धर तक ही दित्ती जांदी सी वडेरी उम्र दियां कुड़ियां दा अपने बराबर दे मुंडियां नाल बैठ के विद्या प्राप्त करना नैतिक पंथा तो बुरा समझिया जान लग पिया पार्ट थ्री साडे देश विच अंग्रेजां दे आउण नाल सह शिक्षा मुड़ चालू हो गई नवे ज्ञान दे प्रचारकां ने यह महसूस किया कि स्कूल अते कालेजां विच मुंडे अते कुड़ियां दा वख-वख खानियां विच बंद रहना समाजिक जीवन लई ठीक नहीं क्योंकि जीवन दे सफर विच स्त्रियां मर्दां ने एक दूजे दे मोढे नाल मोढा जोड़ के तुरना हुंदा है आज भी भारत दी पछड़ी जनता वल्लों सह शिक्षा दा विरोध कीता जांदा है नाल ही सह शिक्षक अदारियां विच अनेका पाबंदियां लगाईयां जांदियां हन दूजे पासे आजकल कुड़ियां अनेका खेत्रां विच मुंडियां नालों अगां वध रहियां हन यह साडे देश दी तरक्की लई शुभ संकेत है पार्ट फोर सब पार्ट ए द उत्तर है थ्री कई लोका दा मत है कि सह शिक्षा पश्चिमी देशा दी नकल है सब पार्ट बी उत्तर है टू यूरोपीय देश सब पार्ट सी उत्तर है थ्री मुंडे ते कुड़ियां इकट्ठे पढ़दे हन पार्ट फाइव सब पार्ट ए उत्तर है टू पिछे रह गई सब पार्ट बी सही अर्थ है टू तरीका सब पार्ट सी सही अर्थ है टू शुरुआती क्वेश्चन थ्री ए सब पार्ट वन शुद्ध रूप है उस दिन तो बाद मैं उसनु नहीं देखिया है या मैं उसनु उस दिन तो बाद नहीं देखिया
है। सब पार्ट टू, उत्तर है दादी माँ ने बहुत चंगी कहानी सुनाई। सब पार्ट थ्री, अशुद्ध वाक है डी, एदा शुद्ध रूप है जहाज बंदरगाह विच खड़ा सी। सब पार्ट फोर, शुद्ध वाक है डी, चोटी पहाड़ दी उच्ची है। सब पार्ट फाइव, उत्तर है बी, संबोधन। पार्ट बी, सब पार्ट वन, मुहावरा उंगलां ते नचाउणा दा अर्थ है अपने वश विच करना या रखना। इस दा वाक है दयाला दे मां प्यो अपने पुत्र दे व्याह तो मगरों दुखी रहिंदे हन क्योंकि दयाला दी पत्नी उस नू अपनी उंगलियां ते नचा रही है। सब पार्ट टू, मुहावरा गल प्या डमरू वजाउणा दा शुद्ध रूप है गल प्या ढोल वजाउणा। सब पार्ट थ्री, उत्तर है ए, कन्ना दा कच्चा। सब पार्ट फोर, सही मुहावरा है ए, फुली ना समोना। सब पार्ट फाइव, मुहावरा आटे दा दीवा दा सही अर्थ है सी, कमजोर।